आयुर्वेदा की इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, तो लगभग कुछ लोग बोलते हैं 4,000 साल, 5,000 साल, मैं कहता हूं कि आयुर्वेदा की जो हिस्ट्री है आप इसे निकालना छोड़िए कि ये 4,000 5,000 साल पुराना है। आयुर्वेदा जो रेंज है वो हमारे सदियों पुराना है, सदियों पुराना। आप कोई किसी भी युग को उठा के देख लीजिए, आपको वहां पे आयुर्वेदा की जानकारी जरूर मिलेगी। अब आप सोच सकते हैं कितना पुराना है। अब आयुर्वेदा शब्द को सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि जो ये शब्द बना ना, इसको थोड़ा सा अगर आप तोड़ेंगे, आप लोगों ने हिंदी में संस्कृत में बहुत पढ़ा होगा क्या, संधि विच्छेद, तो तोड़ दीजिए शब्द को। और ये शब्द दो शब्दों से बना है, आयु और वेद। आयु का मतलब क्या होता है? लाइफ। और वेद का मतलब होता है नॉलेज और साइंस, मतलब जिंदगी का जो विज्ञान है, जिंदगी की जो नॉलेज है, उसे ही आयुर्वेदा का नाम दिया गया था। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये जो सदियों पुराना नॉलेज है, जो साइंस है, ये आज भी पुराना नहीं हुआ है। और इस आयुर्वेद का यूज आप ना केवल लोगों के रोगों को दूर करने में, मतलब ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसका यूज उन लोगों के लिए भी कर सकते हैं जो वेलनेस के लिए बहुत ज्यादा ईगर है। वो चाहते हैं कि उनका शरीर या वो बीमार ना हो, अच्छा रखना चाहते हैं अपने शरीर को। आयुर्वेदा दोनों को ही कवर करता, मतलब ट्रीटमेंट रेंज को और वेलनेस रेंज दोनों को ही कवर करता। और देखिए मैंने आपको बताया क्या, आयुर्वेदा की हिस्ट्री देखेंगे तो कुछ लोग बोलते हैं 5,000, कुछ लोग बोलते हैं 6,000, मैं बोलता हूँ ये तो युगों पुराना, सदियों पुराना है। और सबसे बेहतर बात क्या है, ये जो प्रोडक्ट रेंज है वो बेसिकली पौधों के, प्लांट बेस्ड है, ठीक है। अगर आप एक थोड़ा सा कंपैरिजन आप जरूर, जो आपको फील्ड में बहुत काम आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप आयुर्वेदा के कंपैरिजन के अंदर, आयुर्वेदा के कंपैरिजन में आज मॉडर्न साइंस की जो एलोपैथी, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट पद्धति, जिसे नाम दिया गया है एलोपैथी, उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो लगभग 150 साल, 200 साल और इससे ज्यादा पुरानी तो कतई नहीं है। मतलब लगभग इस एलोपैथी रेंज का जो हिस्ट्री है वो लगभग 150 से 200 साल पुराना है, और हमारा आयुर्वेदा कितने साल पुराना है? सदियों युगों पुराना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो दूसरी चिकित्सा पद्धति है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो है, उसके रेंज में ये कितना पुराना है, और पुराना होने के साथ साथ ये कितना एडवांस भी है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, आप जो अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एलोपैथी के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप किसी को भी एलोपैथी ट्रीटमेंट जो कोई ले रहा होगा, आप उससे पूछिएगा उसका डॉक्टर का कॉस्ट, जो मेडिसिन उसको दी जा रही है उसका कॉस्ट, जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर डॉक्टर ने उसको एलोपैथी के अंदर एंटीबायोटिक हायर कैटेगरी की लिख दी तो उनका कॉस्ट अलग और उनके साइड इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। मतलब वहां पे एलोपैथी में वो क्या करने जा रहा है, वो किसी डिजीज का ट्रीटमेंट लेने जा रहा है, रोग का उपचार करने जा रहा है, वो तो शायद हो या ना हो, लेकिन एलोपैथी के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे उस रोग के साथ साथ जो मेडिसिन उसको दी जा रही है वो साइड इफेक्ट जरूर करी, मतलब इफेक्ट हो ना हो साइड इफेक्ट जरूर होगा। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं एलोपैथी का, शायद आपको समझ में भी आएगा और आप कोरिलेट भी कर पाएंगे। वो ये कि आज आप बहुत सारे लोगों के, आप देखिएगा आदत होती क्या, थोड़ी सी हाथ पांव दर्द की है, थकान हुई तो तुरंत गए मेडिकल स्टोर में, बोलते यार वो हरे पत्ते वाली दवाई दे देना, तुरंत एक निकाला और खा लिए, डाइक्लोफेनिक, पेन किलर जो खाया जाता है ना शरीर की थकान को, दर्द को दूर करने के लिए, वो शायद आपके शरीर की थकान या दर्द को दूर कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपकी किडनी को जरूर खराब करता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि एलोपैथी कहाँ तक आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया था, और ये बताया कि ये कितनी पुरानी है, 150 से 200 साल। और अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, आज से सदियों साल पहले जब युद्ध होते थे, राजा महाराजा लड़ते थे, तो वो क्या करते थे, अगर वो चोटिल हो जाते थे, घाव हो जाता था, तो उनके वैद्य जड़ी बूटियां, मतलब आयुर्वेद, मतलब प्लांट बेस्ड, मेडिसिनल प्लांट बेस्ड या औषधि प्रोडक्ट जो होते थे उनका इस्तेमाल करते थे। आपको कहीं पे भी हिस्ट्री में ये सुनने को नहीं मिला था, मिलेगा कि अगर लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी को किसी ने, किसी वैद्य ने क्या लेने भेजा था,
कि पास वाले मेडिकल स्टोर पे कोई मेडिसिन लेने भेजा ना, उनको संजीवनी बूटी लेने भेजा गया था। वो ये सिद्ध करता है कि वो प्लांट बेस्ड था, आयुर्वेद बेस्ड था वो युग भी, और उसकी मान्यता आज तक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है कि क्यों आयुर्वेदा एलोपैथी से पुराना होते हुए भी क्यों सुपीरियर है, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक की। जी हाँ, कोई सा भी जो ट्रीटमेंट हो या कुछ भी हो, उसके अंदर एक बेसिक जरूर होना चाहिए। और हमारा आयु और वेदा जो है, मतलब आयुर्वेदा, इसके भी पांच बेसिक एलिमेंट है, और ये गुड टू नो नॉट टू राइट, मतलब जानने के लिए अच्छा है, केवल आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, ताकि आप किसी व्यक्ति को समझा सकें कि हमारा शरीर और जो यूनिवर्स है वो पांच एलिमेंट से बना हुआ, मुख्य पांच तत्व तो जिनको हम लोग बोलते हैं, जिसमें आकाश, हवा, अग्नि, जल और धरती, पृथ्वी या भूमि जिसे नाम दिया गया। मतलब ये पांच एलिमेंट हैं जिससे आपका शरीर बना है, मेरा शरीर बना है, और वो सभी इस यूनिवर्स में जो है, उन सभी का कुछ ना कुछ इन पांच तत्वों से मिलकर ही बना है। ये आपको और हम इससे दूर नहीं हो सकते। जब हम इससे दूर नहीं हो सकते, मतलब हम कहीं ना कहीं बेसिकली आयुर्वेदा से तो जुड़े हुए ही है। अब है क्या ये जो पांच तत्व आपको बताए ना, ये पांचों आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में जब जुड़ते हैं, तो आपके या हमारे शरीर में इन्हें एक नाम दिया गया है, दोष। दोष मतलब विंड और स्काई, आकाश और वायु जब मिलेगी तो वात दोष बनेगा, फायर और वाटर, पित्त और अर्थ और वाटर कफ। अब आप यहां मत, आप ये मत गणित लगाने के लगे कि मैं इसे याद करूं ना करूं। इसमें से आपको तीन ही शब्द याद रखने हैं, वो क्या है कि पांच एलिमेंट आपके शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीन दोषों का निर्माण करते हैं। और पता है तीन दोष की मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, ये तीनों दोष ना आपके शरीर में हमेशा बैलेंस कंडीशन में रहते हैं, हमेशा ये बैलेंस कंडीशन में बने रहते हैं। लेकिन दो ही ऐसे कारण होते हैं जब ये बैलेंस गड़बड़ा जाता है, और वो कौन से कारण है, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या, उम्र बढ़ेगी, मौसम चेंज होगा, तो ये बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। आप नोटिस करिएगा, सर्दी के अंदर, जब सर्दियों के अंदर कफ ज्यादा होता है, मतलब कफ दोष बढ़ जाता है, वात और पित्त कम हो जाते हैं, तो उस समय आदमी को सर्दी, जुकाम, बुखार ज्यादा होता है। आप नोटिस करिएगा, गर्मी, अगर मौसम अगर आप देखें तो गर्मियों का सीजन आने वाला है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे समय के अंदर पित्त दोष लोगों का गड़बड़ा जाता है, तो इस वजह से गैस, एसिडिटी या पेट की संबंधित समस्याएं ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि वात, पित्त और कफ, ये आपके और हमारे शरीर में बैलेंस है, लेकिन अगर मौसम बदल रहा है या एज बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ये बैलेंस गड़बड़ा सकता है। और दूसरा, अगर आपके खान पान की आदतें गड़बड़ हैं, आप कभी भी जो भी मिला वो खा लिए, आर्टिफिशियल मतलब आप आर्टिफिशियली आपके शरीर के इन तीन दोषों को चेंज कर रहे हैं, तो आपको वात, पित्त और कफ की समस्याएं हो सकती है। और स्क्रीन जो आपके सामने है, इस पे मैंने समझाने की कोशिश करी है कि वात के, अगर किसी व्यक्ति के अंदर वात दोष ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसके घुटनों में दर्द या पाँव में दर्द होने लगेगा। अगर पित्त दोष ज्यादा होने लगेगा, मिहिर जैन, तो क्या होने लगेगा, एसिडिटी, जलन, पेट संबंधित प्रॉब्लम्स ज्यादा होने लगेगी, अल्सर ज्यादा होने लगेगा। और अगर वात हो गया तो उसकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस ज्यादा होगी, आर्थराइटिस की, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीजें केवल आपकी नॉलेज के लिए है, ताकि फील्ड में अगर गलती से कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, आप उसको जवाब दे सकें कि इन पांच एलिमेंट और तीन दोषों के कारण आपके या हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।